आठवें इमाम से सवाल किया गया, क्योंकि जब मुहर्रम अल हराम का महीना आता था तो मौला बाकायदा अपने घर में एक अज़ा का सिलसिला मुनाकिद किया करते थे, ख़ास एहतमाम किया करते थे, और यहाँ तक के देबल जो मौला का एक ख़ास शायर था, इमाम अलैहिस्सलाम के पास आता है और आकर कहता है कि मौला मैंने आप अहले बैत की शान में एक मरसिया और मुसीबत के चंद अशआर कहे हैं। ये इमाम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी कि मजलिस में इस अंदाज से खुद शिरकत फरमाया करते थे, बल्कि अपने घर में बर्पा किया करते थे। तो इमाम ने कहा कि ए देबल रुक जाओ, अभी अशआर ना कहो, और अपने गुलाम से हुक्म दिया कि पर्दा लगा दो, और घर की ख्वातीन को बुलाया और कहा कि वो पर्दे के पीछे बैठ जाएं, और एक तरफ मर्द और एक तरफ ख्वातीन, ये इमाम का तरीका था। और फिर देबल से इमाम ने कहा कि अब तुम शेर कहना शुरू करो। तो देबल ने शेर कहा कि या फातिमा यबनतल खैर कौमी फंदुबी, कि ए फातिमा ए खैरुल बशर की बेटी, आप बुलंद हों और जाकर देखें कि नुजूम समावात फिल अर्ज फलाफी, कि आसमान इज्जत के सितारे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। कोई वो है, देबल ने शेर कहना शुरू किया, कोई वो है जो नजफ में आराम कर रहा है, और कोई वो है कि जो मदीना में आराम कर रहा है, और कोई वो है कि जो काजमैन में सो रहा है। याद रखिएगा कि आठवें इमाम, ये आठवें इमाम के दौर की बात है कि जब इमाम जिंदा थे, आठवें इमाम की हयात की बात है। तो उसने कहा कि एक वो है कि जो नजफ में आराम कर रहा है, कुछ वो हैं जो मदीना में सो रहे हैं, इसलिए कि इमाम हसन अल मुश्तबा अलैहिस्सलाम और चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और पांचवें इमाम और छठे इमाम, इनकी कब्र मुतहर मदीना में है। और कहा कि एक वो है कि जो बगदाद काजमैन के पास है। तो वालेकुम सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए देबल अपने इस नज़्म में एक शेर का इजाफा कर दे, और कह के वक़ब्रुन बितूसिन या लहा मिन मुसीबतिन, कि एक वो है कि जो खुरासान में ईरान में अकेला गुरबत की जिंदगी में सो रहा है। तो देबल ने कहा कि मौला मैं तो आपका पुराना खादिम हूँ और पुराना आपका चाहने वाला हूँ, हैरत है कि मुझे मालूम ना हो सका कि तू उसमें किसकी खबर है। तो इमाम ने कहा कि अंता मादहुना व नासिरुना, तुम हमारे मद्दा हो, तुम हमारे नासिर हो, लेकिन ए देबल अब तक मशहद में किसी की कब्र नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब तेरा मौला और आका मशहद में गरीबाना शहीद किया जाएगा और उसका मज़ार वहाँ पर होगा। बस एक मरतबा इमाम ने जुमला कहा और देबल ने इस मिसरे को रिपीट किया, वक़ब्रुन बितूसिन या लहा मिन मुसीबतिन, कि अगला मिसरा कहने वाला था कि बीवियों की तरफ से आवाज़ आई कि ए देबल अगला मिसरा ना कहना। तो उसने सवाल किया कि क्यों, कहा इसलिए कि पर्दे के पीछे आठवें इमाम की बहन है जिसे सुनकर गश आ गया है और बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं कहूंगा कि ए बीबी आपने फकत भाई की खबर शहादत सुनी थी और बर्दाश्त ना हो सका। करबला में एक बहन थी जो चंद गज के फासले से एक प्यासे भाई को ज़िबा होते हुए देख रही थी और कह रही थी कि ए उमर साथ तू देख रहा है और मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है। और यहां तक कि वो कैफियत थी कि मजलूम बहन जब उस लाशे पर आती है तो आकर एक सवाल किया, का अंत अखिल हुसैन, ये वो सवाल है कि इस पूरी मजलूमियत हुसैन मौजूद है, का अंत अखिल हुसैन, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है। इसलिए कि लाशा पामाल हो चुका था, सरतन से जुदा हो चुका था, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है। तो आठवें इमाम एहतमाम किया करते थे बहुत, जैसे ही मुहर्रम शुरू होता था छठे इमाम भी एहतमाम किया करते थे, हर इमाम की जिंदगी में है। तो किसी ने इमाम से सवाल किया, ये मजलिस अज़ा ये खास लिबास के इमाम पाप बरहना हो जाते थे, सियाह लिबास पहना करते थे। तो इमाम ने कहा कि ले अल्लाह तनसौनहु कमा नसीतुमुल गदीर, हम मुहर्रम का एहतमाम इसलिए करते हैं ताकि तुम गदीर की तरह मुहर्रम को भी ना भुला दो, इसलिए एहतमाम, इसलिए कि गदीर को तुमने भुला दिया, कहीं मुहर्रम को ना भुला दो। और मुहर्रम आज तक जिंदा है और बाकी उसकी वजह यही है कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, शमे हुसैनी के परवाने दुनिया भर में
یا حسین کہتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں. رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.